देखो, कोई भी राजा होता है वो अपना वर्चस्व बढ़ाता है। तो राग 3 प्रकार की होती है। दो व्यक्तियों के बीच में राग किसी हुई पैसों के कारण, तो यहाँ जो मतिरे की राग पड़ेगी ये भी पैसों के कारण थी। या जोकनिया गांव था, इसमें यह तरबूज लगे हुए थे और इनकी पेड़ जो बीकानेर का गांव था खिलवाड़ा, खिलवाड़ा इसमें इस बेल चली जाती है और वहां मतिरा लग गया था। तो यहाँ का राजा जो जोगणिया गांव का जो अमर सिंह यहाँ टैक्स लेता नागौर का राजा, तो ये बोलता है उसका टैक्स मेरे को दो। ये राजा बोलता है कि खेती यहाँ हुई है तो इस मतीरा का टैक्स खिलवाड़ा गांव से राव करण सिंह लेता है, तो ये इसको दे देते हैं इसका। जबकि इनके बीच में नोकझोंक हो जाती है। इस राग को जानते हैं किसको, जो मतीरे की बेल थी इसके कारण हुआ था, तो इसको बोलते हैं मतीरे राग। कब होते हैं, जब 1544 में सुमेलगिरी का युद्ध होता है उसके जस्ट 100 साल बाद, 1644 में हो जाता है। कहाँ मिलता है इसको, काशी झंगाणी की जो इसका ग्रंथ था छत्रपति राजोग, इस पुस्तक में इसको दिया हुआ है, तो यहाँ से इसका उल्लेख मिलता है। तो ये थी हमारी मतिरे की राग। बीकानेर का राजा तो था राव करण सिंह। कौन था, राव करण सिंह। और ये था नागौर का राजा, नागौर का राजा जिसने नागौर चित्रशैली पढ़ेंगे, नागौर चित्रशैली है ना, चित्रशैली चित्रशैली। उसका प्रारंभिक काल भी अमर सिंह था है ना, और गोल्डन सन था तख्त सिंह। कौन था, तख्त सिंह। ये दो चीजें पढ़ेंगे है ना, ठीक है। फिर इस नागौर चित्रशैली के बारे में हम पढ़ते हैं है ना, कि जूरी पड़े हुए किसके, जूरी पड़े हुए मर्दों के चित्र इसमें देखने को मिलते हैं, बातें करती हुई और जल कुंड में नहाती हुई महिलाओं के चित्र है ना। इस प्रकार से देखो, जिसका पति बूढ़ा हो जाता है या उसके चेहरे पर जूरी पड़ जाती है तो महिला बात ही करती है, तो ये ऐसा चित्र नागौर चित्रशैली भी दिया हुआ, तो ये आप देख लेना है ना। तो ये थी चित्रशैली के बारे में कुछ दो फैक्ट बता दिए। तो ये थी आपकी मतिरे की राग। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।